हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले एसबीआई के बारे में, यहाँ पे एसबीआई बैंक के बारे में। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे स्टॉक में अच्छा खासा एक अगर आपको पैटर्न दिख रहा हो तो आप उनको जरूर कमेंट में बताना पहले, उसके बाद मैं आपको कमेंट आपको पैटर्न बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टॉक के थोड़े से फंडामेंट्स पे देख लेते हैं। स्टॉक के फंडामेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और कंपनी के एनालिस्ट के हिसाब से भी इसको बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर कंपनी का पीवी रेशियो देखें तो 13 है, यहाँ पे इंडस्ट्री पी जो है वो 10 है, और डेब्ट टू इक्विटी जो है 1.59 है, क्योंकि कंपनी सारे लोन्स देती है तो इसलिए यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा डेब्ट है। प्रॉफिट वाइज देखें तो कंपनी के पास प्रॉफिट काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और यहाँ पे ईयरली बेस पे भी देखें तो कंपनी एग्रेसिवली प्रॉफिट दे रही है हर समय, मतलब कि प्रॉफिट अपने इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे रेवेन्यू वाइज भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहे हैं, नेटवर्थ भी कंपनी की इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कंपनी का जो मेन फोकस है बैंकिंग वगैरह पे है, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड सब में है कंपनी। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने भी काफी इन्वेस्ट कर रखा है एसबीआई वगैरह में, और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो कंपनी का एक अच्छा खासा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक एक लौता गवर्नमेंट बैंक है जो सबसे सारे प्राइवेट बैंक से कम्पीट कर रहा है, सबसे टॉप पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से अगर कंपनी के शॉर्ट टर्म में थोड़े से फंडामेंटल्स फोकस करें तो कंपनी ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था, मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कंपनी ने 50 MA ने रिसेंटली 200 MA को नीचे से कट ऑफ किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, जब कोई 50 MA नीचे से 200 MA को कट ऑफ करता है तो अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल रहता है, अपसाइड मोमेंटम आ रहा होता है। तो अभी वही चल रहा है कि अपसाइड मोमेंटम चल ही रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे चांसेस है कि वापस से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर दे, तो वहां जब कभी ऐसा अपसाइड मोमेंटम आएगा तो एक अच्छा खासा अपसाइड रहेगा। ये तो हुआ टेक्निकली टेक्निकल बात, बट अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छा, हाँ यहाँ पे एक और चीज रह गई है। यहाँ पे अगर आपको अभी हम लोग बता देते हैं, यहाँ पे जो जो हम लोग का पैटर्न दिखाया है वो है एक डब्लू पैटर्न, मतलब कि डबल बॉटम का पैटर्न में क्या, बाकी एकदम परफेक्ट डबल बॉटम नहीं है। जैसे कि आपको दिख रहा हो तो बॉटम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट एग्जैक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि पिछली बार भी हमने डबल बॉटम एक्सपेक्ट किया था, यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड आया था, और फिर जैसे आपको दिख रहा हो यहाँ पे डबल बॉटम हमने एक्सपेक्ट किया था, डबल बॉटम का अच्छा खासा रनअप लिया था कंपनी ने। अगर हमने उस टाइम पे ट्रेड लिया हो तो उनको जरूर कमेंट में बताना। यहाँ पे बाकी वापस हम लोग डबल बॉटम देख रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि एक अच्छा खासा अपसाइड आ जाए। बाकी यहाँ पे चांसेस है कि इस हाई लेवल से बाइंग करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, मतलब यहाँ पे इसका नेक हो जाएगा। बाकी अगर इसके नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना, क्योंकि नेक ब्रेक हो जाने से फिर इसका सपोर्ट टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेक के टच करते ही वापस से एक अच्छा खासा रनअप लेने की चांसेस है स्टॉक में। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके फंडामेंटल्स और यहाँ पे टेक्निकल्स। बाकी अगर हम लोग थोड़े से फंडामेंटल्स के साथ देखें कि यहाँ पे स्टॉक में कैसा परफॉर्मेंस, कैसा टाइम अभी चल रहा है स्टॉक का, तो यहाँ पे स्टॉक का जो मतलब कि पूरा एनवायरनमेंट है फिलहाल में, क्योंकि रिसेशन के काफी चांसेस हैं। यहाँ पे रिसेशन हो भी डिक्लेयर हुआ नहीं है यूएस पे, बट टेक्निकली इट्स अ रिसेशन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जीडीपी हो रही है यहाँ पे। तो इससे कारण यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा अभी एक चांसेस है कि थोड़ा नीचे डाउन ट्रेंड में जाए, क्योंकि जब कभी भी जीडीपी जो होता है हमारा, जब कभी भी डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं, या फिर जब कभी भी जीडीपी में कोई इशू आता है, तब कभी मतलब यूजली सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को पड़ता है, और बैंकिंग में एसबीआई हमारा सबसे टॉप मोस्ट बैंक आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन के चांसेस हैं, इतना ज्यादा करेक्शन नहीं होगा क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ, तो वैसा करेक्शन नहीं होगा, बट डिसेंट करेक्शन होगा इंडिया के हिसाब से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एसबीआई। बाकी इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाइंग करी जा सकती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एसबीआई। लाइक दिस वीडियो, डू इट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।